सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अपनी बात चल रही थी किसान आंदोलनों की, और किसान आंदोलनों में अपन लोग पढ़ चुके हैं लगभग सभी किसान आंदोलन। आज एक छोटा सा पार्ट बचा है, बीकानेर का किसान आंदोलन, इसको अपन कर लेते हैं। उसके बाद जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, और जनजातीय आंदोलनों के बाद सारी एक सुपर फास्ट रिवीजन क्लास लेके आएंगे, जिसमें सभी प्रकार के बिजोलिया से लेकर के, और आज अपन बीकानेर पढ़ रहे हैं यहाँ तक के किसान आंदोलन, और साथ के अंदर जो मीणा और भील जनजाति के आंदोलन है, इन सभी का अपन एक सुपर फास्ट रिवीजन भी करें। तो सभी लोग मस्त हैं बिल्कुल, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान है ना, बांटने से घटता नहीं बढ़ता है, ठीक है। सूचनाएं शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और सही सूचना तो आपको शेयर कर देनी ही चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग शेयर कर रहे हैं, और जब आप वीडियो देखें जाते जाते लाइक का बटन दबा दिया करें, ठीक है, ताकि आगे जो लोग वीडियो देखें उनको पता रहे कि कुछ तो वीडियो में है, ठीक है। तो चले साथियों, चलते हैं अपन आगे की ओर, और करते हैं आज की क्लास को अपन लोग शुरू, ठीक है। सभी को प्यार भरा नमस्कार, और कल क्लास नहीं हो पाई इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, फिर लेट नाइट आया था घर पे, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर रहे हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में आज अपन बात करेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। अब गुरुजी, बीकानेर किसान आंदोलन क्यों हुआ, देखते हैं क्यों हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन का मतलब अपन रियासती काल की बात कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, अपन ने दो चीजें तो हमेशा पढ़ी हर जगह। एक तो कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, खालसा क्षेत्र, और दूसरा कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, जागीर क्षेत्र। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बीकानेर की, छोटी सी कहानी है, देखते हैं। अब खालसा क्षेत्र में आंदोलन कहां हुआ, क्यों हुआ, जागीर क्षेत्र में आंदोलन कहां हुआ और क्यों हुआ, देखिएगा मित्रों बात कुछ इस प्रकार से। खालसा क्षेत्र की बात करते हैं, तो खालसा क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था नहरी क्षेत्र में। कहां हुआ था, नहरी क्षेत्र में, और नहरी क्षेत्र का मतलब आप यूं समझिए जो आज का गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका है, यानी गंगानगर और गंगानगर के साथ जो हनुमानगढ़ क्षेत्र था, यहां पे आपका जो नहरी क्षेत्र था वहां हुआ। क्यों हुआ गुरुजी, सुनते हैं। आपको पता है कि 1922 से लेकर 1922 से लेके 1927 तक क्या हुआ था, तो आप कहेंगे गुरुजी 1922 से लेके 1927 तक नहर निर्माण कार्य हुआ था। क्या हुआ था, नहर निर्माण। अब भाई साहब, नहर बन रही थी, कौन सी नहर बन रही थी, आपको याद हो तो बता दें जरा आप, कौन सी, गंग नहर का निर्माण कार्य चल रहा था, और 1927 में गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। अब यहां के राजा ने क्या किया ना, यहां के राजा इस समय कौन हुआ करते थे, तो मैं बात करूं मित्रों, यहां के जो शासक थे ना वो थे श्रीमान गंगा सिंह जी। अब होता क्या है ना कि जैसे ही नहर बनना शुरू हो जाती है, उसके बाद में गंगा सिंह जी के द्वारा, या फिर अपन कहें रियासत के द्वारा, जमीन जो थी नहरी क्षेत्र की, उस जमीन को लोगों को बेचना शुरू कर दिया जाता है। सुनना मेरी बात को, है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं जागीर क्षेत्र के विवाद में पढ़ेंगे। मैंने कहा आपको, एक मिनट थोड़ा दूसरा मार्कर ले लेते हैं, यानी यहां गंग नहर बनी। अब क्या होता है ना, यानी 1923 ईस्वी से जमीन बेचने का काम शुरू, जमीन बेचने का काम शुरू। अब बोलो जमीन कौन बेच रहा है साहब, जमीन कौन बेच रहा है, तो आपका उत्तर आएगा शासक बेच रहा है। जमीन खरीद कौन रहा है, तो खरीदेगा कौन, किसान खरीदेगा। भाई जमीन तो शासकों की थी, और अब शासक जमीन बेच रहे थे, क्यों बेच रहे थे, क्यों, क्योंकि अब यहां पे नहर सिस्टम का विकास हो रहा था। अब साहब जमीन खरीदे कौन, किसान खरीदे, और किसानों के पास में क्या कर दिया, किसानों को कह दिया कि आप जमीन जो है वो किस्तों पे खरीद सकते हैं। किस पे खरीद सकते हैं, जमीन किस्तों पर खरीद सकते हैं, किस्तों पर जमीन खरीद सकते हैं, ठीक बात है। और ऐसा किया तो किसानों ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया, और 1927 तक जैसे नहर बनी वैसे किसानों ने जमीन खरीद ली। अब क्या होता है ना, 27 में नहर तो बन गई थी, लेकिन पानी देना 1929 से स्टार्ट हुआ था। पानी देने का काम कब से चला था, 1929 से। अब जरा गौर कीजिए मेरी बात के ऊपर, इतनी बात समझ में आ गई भाई, खालसा क्षेत्र था, नहरी क्षेत्र में हुआ, गंगानगर हनुमानगढ़,
22 से लेकर 27 तक नहर निर्माण, गंगा नहर बनी, गंगा सिंह जी ने बनवाई और जमीन बेचने का, जमीन आवंटन का काम किसानों को शुरू हो गया। अब जमीन फ्री में तो देंगे नहीं, पैसे लेंगे, किसानों के पास पैसे नहीं थे, हमारे पास तो नहीं इतने पैसे, तो फिर क्या किया कि आप किस्त दे दिया करें, तो किसानों को किस्तों पर जमीन दे दी गई। अब गुरु जी आंदोलन क्यों हुआ सुनिएगा, अपन तो बात कर रहे हैं ना आंदोलन की, भाई आंदोलन क्यों हुआ जरा सुनिएगा मेरी बात को और समझिएगा आंदोलन क्यों हुआ। नंबर एक, आबियाना कर अधिक, आबियाना कर अधिक। नंबर एक क्या कहा मैंने, आबियाना कर अधिक। अब आप कहेंगे गुरुजी आबियाना कर क्या था, तो मित्रों सुनिएगा, आबियाना कर था सिंचाई कर। प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा कि ऐसा किसान आंदोलन जो सिंचाई कर के विरुद्ध हुआ था वो कहां हुआ था, पूरे राजस्थान में सिंचाई कर के विरुद्ध आंदोलन बीकानेर रियासत में हुआ था, याद रखना है ये बात, स्पेशल बात है सभी किसान आंदोलनों में। बाकी अपन ने देखा था लाग बाग बेगार, वो तो हर जगह ही है, यहां भी लाग बागें थी, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंचाई करके विरुद्ध आंदोलन कहां हुआ, तो एकमात्र सिंचाई करके विरुद्ध आंदोलन है वो बीकानेर क्षेत्र में होता है, और बीकानेर में भी जागीर क्षेत्र में नहीं, खालसा क्षेत्र में। अब आबियाना कर है यदि कोना। नंबर दो पे गुरु जी क्या बात आएगी, पहला तो आबियाना कर, दूसरी बात आ गई अन्य लाग बाग, अन्य लाग बागों का अधिक होना, ठीक बात है। तीसरी बात सुनना और समझना, तीसरी बात मित्रों ये थी कि जमीन किस पे दी, किस्तों पे दी किसानों को। अब किसान है, जरूरी थोड़ी है ना कि किस्त हर बार दे ही दे, चुका ही दे, कई बार किस्त वो लेप्स हो जाती थी, और जब किस्त लेप्स हो जाती थी तो उसके ऊपर ब्याज लगाया जाने लग गया, और धीरे धीरे किसान के पास इतनी ज्यादा मोटी रकम होगी कि अब किसान है उस रकम को चुका पाना उसके लिए संभव नहीं था। तो किसान ने सोचा कि हम है रकम चुकाएं, इससे अच्छा तो क्या है कि अपन जमीन को ही छोड़ देते हैं। तो किसानों ने उसके विरोध में भी आंदोलन शुरू कर दिया। यानी तीसरा कारण मैं यूं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि किस्तों पर ब्याज की दर का अधिक होना, किस्तों पर ब्याज की दर का अधिक होना, किस्तों पर ब्याज दर क्या होना अधिक। दिखाई दे रहा है ना आपको, एक मिनट के लिए मैं देखता हूं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। किस्तों पर ब्याज की दर का क्या होना भाई साहब, किस्तों पर ब्याज की दर का अधिक होना। तीन कारण थे, आबियाना कर, आबियाना का मतलब मैंने बताया सिंचाई कर, पानी दिया जाता था और सिंचाई उस पानी के बदले कर लिया जाता था। नंबर दो अन्य लाग बाग, नंबर तीन किस्तों पर ब्याज की दर क्या थी, अधिक थी। और कई बार तो ऐसे भी होता था कि पानी कम मिला लेकिन रेट कम नहीं हुआ, पानी तो कम मिला है लेकिन रेट कम नहीं हुआ। आज भी अपन देखते हैं नहरी क्षेत्र में तो आंदोलन चलते ही रहते हैं, हमारे राजस्थान विधानसभा में जो आपके बलवान पूनिया वगैरह हैं, गिरधारी मैया वगैरह, ये जो नेता हैं दो चार, ये किसानों की आवाज उठाते ही रहते हैं, ठीक है। और नहरी क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी आवाज बलवान पूनिया जी बड़े पुरजोर तरीके से उठाते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई आबियाना कर अधिक है, अन्य लोग लाग बाग है, किस्तों पर ब्याज की दर अधिक। चलो आंदोलन हो गया भाई साहब शुरू, प्रश्न बना कब से शुरू हुआ गुरु जी, तो देखिएगा 27 में नहर का निर्माण कार्य पूरा होता है और 1929 से सिंचाई हेतु पानी देना प्रारंभ कर दिया जाता है मित्रों। तो सिंचाई के लिए पानी देना कब से प्रारंभ किया, 1929 से। जैसे ही 1929 से पानी देना प्रारंभ किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद में यहाँ के किसान आंदोलनों ने किसानों ने 1930 में आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन शुरू किया, हालांकि शासक गंगा सिंह जी जो थे वो थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे अपने खालसा क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए। तो साहब यहाँ गंगा सिंह जी क्या करते हैं, गंगा सिंह जी है वो यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कर वगैरह कम करेंगे। उससे पहले किसानों ने क्या किया, किसानों ने अप्रैल 1929 में एक संघ बनाया, जमींदारा संघ। अब आप कहेंगे गुरुजी जमींदार जागीरदार तो वो तो अलग मामला था, लेकिन प्यारे मित्रों उत्तरी राजस्थान में बोले तो पंजाब की स्पर्श वाला इलाका जो था यहाँ पे जमींदार किसान को कहा जाता था, है ना, जमींदार, जमींदार का मतलब किसान, जमीन का मालिक, तो यहाँ किसान ही था। तो किसानों का एक संघ बनता है जिसका नाम क्या था, जमींदारा संघ था। और जमींदारा संघ है इसमें दो व्यक्ति थे मित्रों, कितने व्यक्ति थे, दो व्यक्ति मुख्य रूप से थे, एक तो थे करतार सिंह और एक थे दरबार सिंह, याद रखना है करतार सिंह, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, दरबार सिंह।
पर्सन बन सकता है, जैसे राजस्थान सेवा संघ है, मारवाड़ सेवा संघ है, इन संघों ने राजस्थान के किसान आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी प्रकार से यहां कौन सा संघ था, जमींदारा संघ था, कहां, नेहरी क्षेत्र में। ठीक गुरुजी, हो गई बात। अब क्या होता है ना, 1930 ईस्वी में खरीफ की फसल पर, लगान 16% कम कर दिया गया, और 1931 में जो रबी की फसल थी, 1931 में रबी की फसल पर लगान 25% कम कर दिया गया। अब ये कम कर दिया, चलो ठीक बात है। फिर 1933-34 में क्या हुआ, 1933-34 में पानी कम मिला किसानों को, पानी कम मिला तो शासक ने क्या कर दिया, पानी कम मिला तो जो आपका अभियाना कर था वो भी कम लिया, अभियाना कर भी कम। यानी कुल मिला के मैं यूं कह सकता हूं, जो खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन थे वो ज्यादा उग्र नहीं हो पाए। और उसके बाद में द्वितीय जो विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जो उपज थी, उपज के मूल्य में वृद्धि हुई, वह पानी अधिक मिलने लग गया, तो किसान थे वो संतुष्ट हो गए और लाख बाग जो अन्य थी वो कम कर दी। और इस प्रकार से खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन बड़े ही शांति तरीके से चला और शांत हो गया। यानी बड़ा कोई यहां ना कोई हत्याकांड हुआ और ना ही यहां पे किसी प्रकार के कोई उपद्रव वगैरह हुए। तो याद रहेगा, ये तो था खालसा क्षेत्र। खालसा क्षेत्र में दो ही बातें याद रखनी, मुख्य बात तो क्या याद रखनी कि आबियाना कर लगाया गया था, उस आबियाना कर की वृद्धि के विरोध में था, और दूसरा जमीन की जो किस्तें थी उन किस्तों के ऊपर ब्याज की दरें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, किसान की किस्त लेप्स हो जाए तो ब्याज बहुत चुकाना पड़ता था। दूसरी बात, जमींदारा संघ बनाया गया। जमींदारा संघ कब बना, 1929 में बना। 30-31 में आपका जो रबी खरीफ की फसलें थी उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया, लगान कम कर दी। 33-34 में पानी के ऊपर कम किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामान्य रूप से आंदोलन क्या हो गया, शांत हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन जागीर क्षेत्र के आंदोलन भी पढ़ते हैं। मिटा देता। हाँ जी, तो ये था मित्रों आपका खालसा क्षेत्र का आंदोलन। अब भाई साहब, जागीर क्षेत्र में आंदोलन हुआ उसकी भी अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा मित्रों, जागीर क्षेत्र में यानी बीकानेर जो किसान आंदोलन थे, इनमें जागीर क्षेत्र में कौन कौन से आंदोलन हुए। जागीर क्षेत्र में मित्रों आपको याद रखना है, एक तो आपका महाजन जागीर थी। कौन सी जागीर थी, महाजन, यानी एक बड़ा जागीर क्षेत्र था। अब प्रश्न बना गुरु जी, महाजन जो था यहाँ के शासक कौन थे। तो मित्रों सुनिएगा, महाजन के जो शासक थे वो शासक थे भोपाल सिंह। महाजन के शासक कौन थे, भोपाल सिंह थे। और यहाँ पे 1938 में क्या होता है, 1938 में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। प्रश्न बना, यहां आंदोलन किसानों ने शुरू किया, क्यों शुरू किया, वही बातें लाख बाग थी उनके विरुद्ध। और अंततः क्या होता है ना, बीकानेर महाराजा के इंटरफेयर पर 1942 में भूमि बंदोबस्त यहां पे लागू हो जाता है, भूमि बंदोबस्त। अब कई कहते हैं गुरुजी लैंड सेटलमेंट या भूमि बंदोबस्त क्या होता है। भूमि बंदोबस्त का मतलब है कि निश्चित नियमावली बना देना, ये काम होगा या फिर इतना कर लिया जाएगा, इसकी ये रसीद दे दी जाएगी, यानी सिस्टमेटिक ढंग से भूमि का लगान बनाने की नियमावली लेना। ठीक है, लगान लेने की नियमावली बनाना, वो भूमि बंदोबस्त है सामान्य भाषा में हम कहें तो। 1942 में भूमि बंदोबस्त हो गया, और भूमि बंदोबस्त के साथ ही एक निर्णय किया गया कि लगान लेने पर रसीद लिख कर दी जाएगी। इससे पहले लगान तो लिया जाता था लेकिन रसीद लिख कर नहीं दी जाती थी। यहां नेतृत्वकर्ता की बात आती तो कोई विशेष नेतृत्वकर्ता यहां नहीं था। इसके बाद में मित्रों दूसरा आता है दूधवा खारा आंदोलन। दूधवा खारा पड़ता तो कहां पे, चूरू में पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है बीकानेर के अंडर में था, तो दूधवा खारा किसान आंदोलन। अब दूधवा खारा किसान आंदोलन में गुरु जी क्या विशेष बात है सुनिएगा। दूधवा खारा में विशेष बात है कि इस दूधवा खारा का सामंत कौन था, सूरजमाल सिंह था। कौन था, यहां पहला प्रश्न तो बना, यहां का सामंत या शासक कौन था। याद रखिएगा, सूरज भानवत कर देना, सूरजमाल सिंह या सूरजमल सिंह मान लेते हैं। ठीक है, और यहां किसानों का जो नेतृत्व किया, नेतृत्व किसका, किसानों का,
वो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मित्रों आप कहेंगे हनुमान सिंह आर्य। कौन? हनुमान सिंह आर्य। और हनुमान सिंह आर्य से एक प्रश्न और बनता है मेरे प्यारे साथियों, हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य है, इन्होंने नेतृत्व किया, गुरुजी क्यों किया, दुधवा खारा किसान आंदोलन। इसकी मूल वजह ये थी कि यहां किसानों को विस्थापित करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? विस्थापित, यानी किसानों की जमीनें ले ली गई और किसानों को दूसरी जगह बसाया जाना था, लेकिन किसानों को अपनी पैतृक जमीन छोड़ने से एतराज था। किसानों ने कहा हम नहीं जाएंगे। इन्होंने किया आंदोलन, और आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हनुमान सिंह आर्य ने। और हनुमान सिंह आर्य जब मीटिंग करने के लिए माउंट आबू पहुंचते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करते हैं तो लोगों की भीड़ अपने नेता के पीछे चल पड़ती है, अंततः इनको छोड़ना पड़ता है। फिर आगे गए, फिर इन्होंने नेतृत्व करना ही था तो इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया और अनूपगढ़ की जेल में बंद कर दिया। फिर तीसरी बार फिर इनको गिरफ्तार किया, फिर बीकानेर की जेल में बंद कर दिया। यानी विशेष प्रश्न बन रहा है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन में कौन व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया? हनुमान सिंह आर्य ने। और इनको कितने बार गिरफ्तार किया गया? तो मित्रों याद रखिएगा, इनको तीन बार गिरफ्तार किया जाता है। कितनी बार गिरफ्तार किया जाता है? तीन बार। और तीन बार में से दो बार, एक बार अनूपगढ़ जेल में और एक बार बीकानेर जेल में इनको गिरफ्तार किया जाता है। और इस बीकानेर जेल में ये 65 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं, 65 दिनों की भूख हड़ताल। अब आप में से कईयों का प्रश्न आएगा, गुरुजी हमने तो दुधवा खारा किसान आंदोलन में वैद्य मग्घाराम जी को भी पढ़ा है। बिल्कुल आपने पढ़ा है, लेकिन उनकी बातें अपन प्रजा मंडल आंदोलन में करेंगे कि जो आपका प्रजा परिषद बनी थी, प्रजा मंडल जो बना था बीकानेर का, उसके अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दुधवा खारा में याद रखेंगे सामंत सूरजमल, नेतृत्व किसानों ने, ये किसानों का किसने किया? हनुमान सिंह आर्य ने। तीन बार गिरफ्तार होते हैं, एक बार अनूपगढ़ जेल में, एक बार बीकानेर जेल में, और बीकानेर जेल में 65 दिनों की भूख हड़ताल ये कर लेते हैं। इसके बाद में मित्रों बात करें अपन और क्या विशेष है, तो याद रखना आपको एक कांगड़ कांगड़ और था, ठीक है। प्रश्न ये आ सकता है कि कांगड़ कांड का संबंध किससे? तो बीकानेर किसान आंदोलन से। यहां जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? तो याद रखना है मेघ सिंह आर्य। यहां नेतृत्व करने वाले कौन थे? मेघ सिंह आर्य यहां नेतृत्व करने वाले थे। और ये कांगड़ कांड या कांगड़ कांड की घटना कब होती है? अक्टूबर 1946। जैसे कि मैंने कहा था चंदावल दुखांति का इसका संबंध किससे था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबड़ा किसान, डाबड़ा दुखांति का डाबड़ा कांड इसका किससे था? मारवाड़ से था। अभी अपन कल परसों पढ़ के आए थे जयसिंहपुरा हत्याकांड, कुदन हत्याकांड, इनका संबंध किससे था? शेखावाटी से था, ठीक है। उसी प्रकार मित्रों याद रखना है क्या कि आपका कांगड़ कांड का संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से है, ठीक है, कांगड़ कांड। उसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, एक जागीर क्षेत्र में उद्रासर नाम का क्षेत्र था, ठीक है, उद्रासर। और उद्रासर में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? जीवन राम चौधरी ने। जीवन राम चौधरी उद्रासर में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जीवन राम चौधरी। जागीर क्षेत्र में उद्रासर जीवन राम चौधरी, महाजन में कोई नेतृत्व करता है नहीं, दुधवा खारा में नेतृत्व करता हनुमान सिंह आर्य, और कांगड़ा में आपको बताया नेतृत्व करता मेघ सिंह आर्य। कांगड़ा घटना कब की है? अक्टूबर 1946 की। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। बंसावास मिटा दो, मिटा देते, ठीक है। हाँ जी ये लीजिए, अपन इसको मिटा दें और आगे चलें। अब भाई साहब एक प्रश्न आया होगा पीछे एग्जाम में कि बीरबल दिवस कब मनाया गया था, अब बीरबल कौन थे, कैसे दिवस मनाया गया, सुनिएगा। यानी गंगानगर में एक स्थान आता है जिसका नाम है रायसिंह नगर, रायसिंह नगर हत्याकांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखिए ये बातें हैं 30 जून और 1 जुलाई 1946, याद रखना है। यहां हुआ सम्मेलन, क्या हुआ भाई साहब, यहां यहां हुआ सम्मेलन, और सम्मेलन के ऊपर क्या चली? गोलियां, और क्या चली? लाठियां। चलवाने वाले अधिकारी का कोई विशेष काम नहीं। अब यहां गोलियां और लाठियां चली तो यहां पर बीरबल सिंह शहीद हो गए, बीरबल सिंह शहीद।
और बीरबल सिंह शहीद होते हैं, लोगों ने रायसिंह नगर हत्याकांड की निंदा की, लोगों ने रायसिंह नगर हत्याकांड की निंदा की और उसी निंदा के परिणाम स्वरूप याद रखना 6 जुलाई, 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? किसान दिवस। प्रश्न आ सकता है, और 17 जुलाई को, 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस। ये प्रश्न अधीनस्थ चयन बोर्ड पूछता है ऐसे प्रश्न, ठीक है? याद रखिएगा 6 जुलाई किसान दिवस मनाया गया, 17 जुलाई बीरबल दिवस आएगा प्रश्न, 6 जुलाई किसान दिवस, 17 जुलाई बीरबल दिवस। अब साहब होता क्या है इस हत्याकांड की जांच के लिए, इस हत्याकांड की जांच के लिए मैं यहां लिख देता हूं, जांच हेतु, जांच हेतु एक आयोग बना। गुरुजी आयोग में कौन कौन था? आयोग में भाई साहब थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। उसके बाद गुरुजी आयोग में और कौन था? और थे आपके गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। और कौन थे? और थे रघुवर दयाल गोयल। और जांच आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है लेकिन कोई विशेष काम नहीं। और उसके बाद में बीरबल जो शहीद हुए थे, बीरबल सिंह, इन्हें को सम्मान देने के संदर्भ में एक, आपने देखा होगा गंगानगर में एक बीरबल चौक है, ये स्थापित किया जाता है। और एक आपका बीरबल शहीद बीरबल के नाम से बीरबल शाखा नहर भी निकाली जाती है, ये इन्हीं के सम्मान में निकाली गई। तो रायसिंह नगर हत्याकांड ये होता है 30 जून 1 जुलाई, सम्मेलन हो रहा था, गोलियां चला दी जाती हैं और 6 जुलाई को किसान दिवस मनाया जाता है, 17 जुलाई को बीरबल दिवस घोषित किया जाता है, बीरबल चौक बनाया, बीरबल शाखा, बीरबल सिंह शहीद हो गए और इनकी जांच के लिए आयोग बना, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल। उसके बाद में मित्रों नेक्स्ट बना एक ललाना, ललाना नाम का गांव हो रहा है, ललाना गांव के अंदर भी 1946 में क्या होता, सम्मेलन होता है अप्रैल 1946 को, खास नहीं लिखो तो लिख लेना, प्रश्न आएगा कि ललाना में सम्मेलन कब हुआ था, अप्रैल 1946 में हुआ था, ये आपका था। उसके बाद में एक प्रश्न और आता है कि गोगामेड़ी में सम्मेलन कब हुआ था, तो गोगामेड़ी में 3 सितंबर 1946 को, यह जो आपका जागीरी प्रथा थी, जागीरी प्रथा के उन्मूलन के सम्मेलन होता है। ललाना में सम्मेलन हुआ अप्रैल 1946 में और सितंबर 1946 में सम्मेलन कहां होता है, गोगामेड़ी के अंदर होता है। ये था मित्रों बीकानेर का किसान आंदोलन। अब करते हैं अपन, आज की क्लास छोटी है क्योंकि रिपीट पूरा हो नहीं पाएगा पीछे वाला, इसलिए रिपीट के अलग से क्लास लेके आएंगे अपन लोग, ठीक है? और कल की क्लास वो अपनी रहेगी जनजातीय आंदोलनों की, और जनजातीय आंदोलनों में कैसे कैसे आंदोलन होते हैं, किस प्रकार एक्की वगैरह आंदोलन है, बहुमत वगैरह के आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी संप सभा, सारी चीजें देखेंगे, मीणाओं का किसान आंदोलन किस प्रकार होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, लेता हूं विदा, मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।